हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉस्टिक बना। ग्रेट न्यूज़, वन प्लस 10 प्रो हो गया है ऑफिशियली लॉन्च चाइना के अंदर। और ये कब इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्या इसके स्पेसिफिकेशंस होने वाले हैं, क्या एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, कैसी दिखने में कैसी बॉडी होने वाली है, पूरे फ़ोन का अपन कर देंगे ताबड़तोड़ अनबॉक्स इस पूरे वीडियो के अंदर। देखते रहिए विद अकॉस्टिक बना, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका बॉक्स, खोलते हैं बॉक्स को, साइड में रखते हैं और ये हटाते हैं। इसका मैनुअल अगर अपन देखते हैं तो ये यूज़र मैनुअल है, वही ऑफिशियली जो वन प्लस के टैग के साथ आता ही है हमेशा। फ़ोन को उठाते हैं और रख देते हैं साइड में, फ़ोन को लास्ट में देखते हैं, ग्रीन कलर का है। और ये बॉक्स को खोलते हैं अपन, और ये बैक कवर जो कि हमेशा ट्रांसपेरेंट आया करता था, ये सिलिकॉन केस के साथ आता है। बहुत ही शानदार कलर है, फ़ोन से मैच होता हुआ ग्रीन टाइप। और ये चार्जिंग आपको पता ही है, 80 वोट का चार्ज मिल रहा है इसके साथ। 80 वोट तक आप चार्ज कर सकते हैं, तो जो कि 32 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। और ये डेटा केबल एज यूजुअल रेड कलर वाली, बहुत ही शानदार सी। फोन को करते हैं अनबॉक्स, पॉलिथीन हटाते हैं। पॉलिथीन हटाने के बाद जो निकल के आता है ये चमकता हुआ शानदार। और ये आप अगर देख सकते हैं कैमरा का जो मॉड्यूल है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 3D सेरेमिक कैमरा मॉड्यूल यूज़ किया है इन्होंने, जो कि मिड फ्रेम है, इंटीग्रेट है। और ये जो इन्होंने सेरेमिक यूज़ किया है वो सिर्फ कैमरा मॉड्यूल जो जहां तक कैमरे हैं वहां तक यूज़ किया है, बाकी ये रगेड होगा पीछे से। बहुत ही शानदार होने वाला है वन प्लस के। तो इसके फीचर्स की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो उससे पहले अपन देख लेते हैं इसका वेट वगैरह कितना है। ये वेट की अगर बात की जाए तो ये 201 ग्राम का है टोटल ओवरऑल इसके अगर वेट की। और 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको, जो कि 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस आप चार्ज कर सकते हैं। तो वेट करते हैं इस फोन का कितना वेट होता है। तो ये 201.3 ग्राम ओवरऑल। डिज़ाइन अगर बात करें तो ये वही स्लाइडर आपको बटन मिलते हैं साइड में, जिससे आप म्यूट कर सकते हैं और जनरल मोड वगैरह पे आप ले जा सकते हैं, जो कि एज़ यूज़ुअल बहुत ही अच्छा कन्वीनियंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये फ़ोन कवर और साइज़ में। और इसकी अगर कलर की बात की जाए तो बहुत सारे कलर्स के साथ आपको अवेलेबल होगा इंडिया के अंदर। न्यू स्टार ग्लास टेक्नोलॉजी के साथ यह आ रहा है। फ्रॉस्ट ग्लास है जो कि पीछे वाला आप देख रहे हैं कैमरा मॉड्यूल के जस्ट नीचे वाला, वो फ्रॉस्ट ग्लास है। ग्रीन मैट फिनिश के साथ आपको मिलने वाला है ये। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पीछे वाला ग्लास है उसमें बहुत ही शानदार शाइनिंग है। आप आसपास के फ्लैशेस वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से, और एकदम ब्राइट कलर है। और कैमरा फीचर्स की अगर इसकी बात की जाए, कैमरा इसके अंदर कौन सा, जैसे कि आपको पता ही है हेजल ब्लेड के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन लास्ट ईयर किया ही था। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा, जो कि 23 mm वाइड मिलने वाला है। 8 mm का टेलीफोटो और 550 MP का आपको अल्ट्रा वाइल्ड 150 डिग्री जो अल्ट्रा वाइल्ड शूट करते हैं अपन, आपने देखा होगा अदर फोन्स में जो कि आईफोन्स में अगर हमें यूज होता है। तो 50 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड शॉट्स को भी देख लेते हैं अपन, 150 डिग्री तक अल्ट्रा वाइड जो कि अदर फोन्स में आता है। देखते हैं अपन मोड्स आप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल से आप दूसरे अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकते हैं। बात करें अगर इसके टेलीफोटो वाले फीचर्स की, तो 8 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर टेलीफोटो लेंस के साथ कैमरा अदर से मिलता है। आप उसको 3.3x तक जूमिंग कर सकते हैं, और जूम करके आप इसको स्ट्रेच करके आप उसको देख सकते हैं कि वर्ड्स आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं है। बहुत अच्छा ओवरऑल, बहुत शानदार है। अगर बात करें इसकी वीडियो की, तो 8K 24 FPS तक आप इसमें जा सकते हैं, 4K 120 FPS। और अगर फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो उसमें 4K फीचर नहीं है, वो सिर्फ 1080 तक है। और बैक कैमरा के अंदर अपन 3.3x तक जूम कर सकते हैं, जो कि टेलीफोटो लेंस से हो जाएगा। और ब्यूटी मिरर अदर मोड्स भी इसके अंदर काफ़ी चीज हैं। वीडियो के अंदर आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं अपने यूट्यूब के लिए, अगर किसी भी अदर चीज़ के लिए, तो आप उसको बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। 2K आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट के साथ होगा। आप इसको कितना भी स्क्रॉल करें, कितना भी खोलें, जल्दी जल्दी आप इसको डेजलिंग मूवमेंट में लाएं तो भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगा ये
जो कि 120 हर्ट्ज तक इसकी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है ही। फ्लिक कर देख सकते हैं आप, फ्लिक कर करके अदर एप्स को कितनी जल्दी इसकी रिफ्रेश रेट काम कर रही है। अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको 60 हर्ट्ज तक ही यूज कर पाता है ये रिफ्रेश रेट, और गेम वगैरह हाई एंड गेमिंग खेलते हैं तो आप उसके अंदर भी बहुत अच्छा है। होल्डिंग में बहुत अच्छा है, फोन होल्ड कर सकते हैं इजीली। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में ये कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो जहां तक कि 10th ऑफ जैन को ये चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है, तो अभी 1 to 2 months अराउंड में ये इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। और सेम यही फ़ोन होने वाला है इंडिया में भी, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और इन्हीं फीचर्स के साथ इंडिया में भी ये लॉन्च होने वाला है। तो ये अपन जो बात कर रहे हैं ये OnePlus 10 Pro है, जो कि मैट ग्लास मेटल फिनिश के साथ आता है। और अगर इसकी अदर बात करें, अगर जल्दी जल्दी अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं इस फ़ोन के, तो ये बहुत ही लाइट वेट भी होगा। ये जैसे पहले वाले फ़ोन होते हैं काफ़ी वेट वाले, वैसा नहीं होने वाला है। इसका वेट अगर किया जाए तो 201 ग्राम ही आने वाला है। और इसके जो साइड फीचर्स की ये बटन्स की बात करें, अल्ट्रा स्लाइडर, तो ये अल्ट्रा स्लाइडर ऑन ऑफ म्यूट करने के लिए और जनरल मोड के लिए आपको वही एज यूजल जो पुराने फ़ोन्स में मिलता है वही होने वाला है, जो कि बहुत फ्रेंडली है फीचर। और पीछे जो आपको मैनुअल जो है कैमरा की, वो आपको मिलने वाली है गोरिल्ला के साथ, और बाकी ग्लास यूज हुआ है। 5000 mAh की इसकी बैटरी होने वाली है, 50W वायरलेस चार्ज, और 80W आपको डायरेक्ट जो केबल चार्ज है वो मिलने वाला है। और नो आईपी रेटिंग, आप इसको अभी तक कोई आईपी रेटिंग नहीं मिली है, वो देखते हैं अपन इंडिया में कितनी इसको आईपी रेटिंग मिलती है, कितना आप इसको पानी में लेके जा सकते हैं। और स्टीरियो स्पीकर होने वाला है, वाईफाई 6U जो कि लेटेस्ट है वो भी होगा इसके अंदर। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन LPDDR5 UFS 3.5 स्टोरेज के साथ आपको ये मिलने वाला है। और VC लिक्विड कूलिंग इसके अंदर है, जो कि इसका एक्स्ट्रा फीचर है लिक्विड कूलिंग के साथ। मतलब ये जो पहले 9 प्रो के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी हीटिंग की, वो अब इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। 48 मेगापिक्सल सोनी का IMX789 OS यूज किया है इन्होंने, 50 मेगापिक्सल सैमसंग का JNU, 150 डिग्री अल्ट्रा वाइड मोड मिलने वाला है आपको 50 मेगापिक्सल के अंदर, और 8 मेगापिक्सल 3.3x जूम के साथ टेलीफोटो अलग से लेंस मिलेगा आपको, जो कि आप जूम करके वीडियो बना के देख सकते हैं, या फिर आप जूम करके फोटो खींच के देख सकते हैं कि वर्ड्स आपको क्लियरली विजिबल है क्या। सेकंड जनरेशन हेजल ब्लेड कैमरा जो फीचर है वो यूज किया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाला इन्होंने उसके अंदर लास्ट वाला जो 9 प्रो था उसमें यूज कर लिया था। 32 मेगापिक्सल सेल्फी आपको मिलने वाला है, 6.7 की क्वाड HD LTPO स्क्रीन मिलने वाली है आपको, 1300 निट की ब्राइटनेस आपको इसमें मिलेगी, जो कि LTPO होता है क्या, LTPO होता है रिफ्रेश रेट, जो कि आप यूज़ करते हैं नॉर्मली अगर आप फ़ोन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1 हर्ट्ज की यूज़ कर रहा होता है, और अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो 60 हर्ट्ज की यूज़ कर रहा होता है अपना फ़ोन। अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग खेलते हैं, गेम खेलते हैं, तो 120 हर्ट्ज तक आपकी यूज़ करता है ये फ़ोन। तो आप स्क्रॉल कर करके जल्दी से ऐप को खोल खोल के चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन OS 12 ग्लोबली लॉन्च होगा ये, जो कि ऑक्सीजन 12 के साथ जो कि ऑफिशियल चाइना में लॉन्च हुआ है वही सेम इंडिया में भी होने वाला है। तो ये इसके फीचर्स हैं, न्यू कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू कैमरा ट्यूनिंग, फ्रंट कैमरा इम्प्रूव्ड, बैटरी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा की। तो ये देख चुके हैं अपन सारे फीचर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।